एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, मालिक बलोच साहब बहुत जीरक सियासतदान हैं। कल उनसे परसों बात हुई, फिर कल बात हुई, ये सारी चीज़ें उन स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस हो रही थी। हम हकूमती इतिहाद हैं, माजरत से मुसवदा लाना हकूमत की जिम्मेदारी है, अपोजिशन का काम उसमें से तनकीद करके चीज़ें निकलवाना या शामिल करना है, मैं कीड़े निकालना नहीं कहूँगा। तो हमें हमारा काम कम अज़ कम पूरा हो तो आप तक पहुँचेंगे ना। मीनवाइल एक वाकया हुआ, हम दोनों अतराफ ने उसकी उस पर किसी ने तालियां नहीं बजाई, बल्कि हमने सर जोड़ के बैठे कि हमारे कुछ अराकीन की गिरफ्तारियां हुई, मैनर दुरुस्त नहीं था, टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। स्पीकर साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने एक बोल्ड स्टेप लिया, हमने उसमें थोड़ा हिस्सा डाला। क्रेडिट गोज़ टू यू, क्रेडिट गोज़ टू यू। कमेटी बनी हुई थी, ये गुफ्तगू हो रही थी कि ये होने जा रहा है, इस तरह से होगा, कमेटी में इस पर बात शुरू हुई, मैंने जो सेलियंट फीचर्स थे वो सामने रखे कि आइनी अदालत के क्याम की तजवीज़ है। फौरी तौर पे जोड़ दिया गया उसको कि जी जो चीफ जस्टिस रिटायर होने जा रहा है सिर्फ उसके लिए हो रहा है और ये अदालत पे और अदलिया पे हमला है। मैं रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि माजी करीब में ये हमला कब हुआ था, मैंने तो नहीं किया, मेरे दौरे हुकूमत में तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। भूल गए हैं हम जो काजी फायज ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ, और किस डटाई के साथ आपने उसे सपोर्ट करते रहे। दोनों रेफरेंस जो हैं, दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने और वो लोग बहाल हुए और उनकी विंडिकेशन हुई। हम आवाज़ उठाते रहे हैं, हम ऐसी बातें ना करें, कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। ख्वाजा साहब ने कुछ फीचर्स बता दिए हैं, बड़ी बात ये थी आइनी अदालत कि उसकी शक्ल क्या होगी। जनाब स्पीकर, एक चीफ जस्टिस और जो एक कॉन्सेप्ट है अभी तक कि 7 या 8 जजेस हों और हर वफाक की हर इकाई की उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए, और वो क्या करेंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184 की और जो सुओ मोटो का इख्तियार है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हस्पतालों के डिस्पेंसरों के परफॉर्मेंस से लेके शीशे की बोतल निकलने तक इस्तेमाल हुआ है जहाज़ों से, उसको वो रेगुलेट करे। कुछ 199 में जो हाई कोर्ट्स अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती हैं उसकी अपीलें जो हैं वो उस अदालत में जाए ताकि एक पैरिटी रहे और आइन की तशरी जो है वो एक तरह से हो, एक जगह पे हो। वजह क्या है, 60,000 से ज़ायद 61,000 कुछ सौ मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं इस वक्त भी। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है जनाब स्पीकर, फौजदारी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट आते हैं लीव टू अपील के साथ, कई दफ़ा एज अ राइट भी आते हैं जब ओरिजिनल ऑर्डर रिवर्स हुआ हो। दीवानी मुकदमात आते हैं, बैंकिंग से निकले हुए मुकदमात आते हैं, कंपनी बेंचेस से निकले हुए मुकदमात आते हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल के मुकदमात आते हैं और इस तरह के और बहुत सारे, और ये आईनी भी। हम लोगों ने अपनी कमज़ोरियों की वजह से, हम अपने पॉलिटिकल इश्यूज भी हर वक्त हमारी ख्वाहिश होती है कि वहीं पे जाएं और वहीं पे सेटल हों, क्योंकि हम इकट्ठे बैठ के हल नहीं कर सकते। हमने अपने आप को कमज़ोर कर लिया है, हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि आपने अपनी सारी ताकत, अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया है। कुछ उस पार है, कुछ उससे आगे होगा। मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ, ये कब वापस आना है, जब आपने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना शुरू करना है, और वो इख्तियार एक ही है, वो कानून साजी का है। आप वो कानून बनाए जिसका फ़ायदा लोगों को हो। मैं तो अभी ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज लेके आ रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम हैं, आपके सामने रखूँगा। अरेस्ट डिटेंशन से ले कर FIR के अंदराज से ले कर चालानों के दाखिल होने से ले कर प्रोसिक्यूशन के रोल से ले कर बेगुनाह लोगों को जमानतों किन किन ग्राउंड्स पे होनी चाहिए उसमें आसानी करने से ले कर
ट्रायल्स की टाइम लाइन्स के एक साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट होगा, वरना उस जज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा है। इस आइनी पैकेज में भी, इस आइनी पैकेज में भी बार काउंसल्स और बार एसोसिएशंस का जिक्र हुआ। असद कैसर साहब, अल्लाह का बड़ा फजल है मुझ पर, मैं ये पैकेज लेके मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, जिस बार एसोसिएशन और काउंसिल का आप नाम लेंगे, ये पैकेज अगर वहाँ से डिफीट हो, मैं जवाबदेह हूँगा। आप अगर ये कहा जाए कि जो तजावीज़ आई थी उनको आप वहीं पे आग लगा दें और कुएं फेंक दें, ये मुमकिन नहीं है। वो तजावीज़ जब इसको लेके आना है उस वक्त अगर होती तो हम जिम्मेदार हैं कि हुकूमत चाहती है कि ये भी कर दो, हुकूमत चाहती है ये भी कर दो, हुकूमत चाहती है ये भी कर दो। आईनी अदालतों पे, जुडिशल कमीशन में पार्लियामान के इफेक्टिव रोल पे, सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस की अकाउंटेबिलिटी के फ्लॉड होने पे और उनकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए, एफिशिएंसी को मिसकंडक्ट या रिमूवल की ग्राउंड बनाने के लिए पाकिस्तान की वकला बरादरी पिछले कई सालों से मुतालबे कर रही है। आई एम पार्ट ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल। इसमें लिखा हमने कि वो जज जो सरकारी मुराद तो ले रहे हैं, गाड़ी पे झंडा भी लगाते हैं, एक स्कॉट आगे एक पीछे, अगर ये वज़रा और पार्लियामेंटेरियन करें तो वो विलन है माशरे के। उनका ये भी फ़र्ज है कि जो गरीब आदमी बकरी बेच के, भैंस बेच के, वकील करके आपके सामने आता है, उसको 1800 तारीखें ना दें, उसकी नस्ल ख़त्म हो जाती है, उसको इंसाफ दें और वक्त पे दें। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मेरे मुकदमों में ये अटक का मुकदमा है, 2003 का वाकया, आज 2024 में खड़े हैं, सजाए मौत हो गई, हाई कोर्ट ने कहा कि जी नहीं ये सजाए मौत का केस नहीं, उम्र कैद हो गई, दो बंदे छोड़ दिए, दो को सजा कर दी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक एविडेंस पे एक को छोड़ो एक को रखो, या पिक एंड चूज है, आइडियल केस। अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में, 2016 से अपील 8 साल से पड़ी है, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ, अभी लीव स्टेज भी नहीं आई। पिछले महीने अलबत्ता वो दोनों कजन्स मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा सर आपकी कोशिशों का बहुत शुक्रिया, हम सजा पूरी करके घर आ गए हैं, हम सजा पूरी करके घर आ गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट जाने, वो कागज़ जाने और आप जाने। हमें बताए सर मैं वो फ़ी, वो ये गौर बैठे हैं, मैं वो फ़ी कैसे जस्टिफाई करूं जो उन्होंने मुझे दे रखी है, और मैं किस से हिसाब मांगूं। और कल अगर वो अपील मेरिट पे डिसाइड होती है, इट्स अ वंडरफुल केस, पिक एंड चूज़ है, अगर वो बरी होते हैं तो वो 8 साल मैंने और आपने देने हैं, किसने देने हैं उनको वापस जो उन्होंने जेल में गुजारे हैं। हमने इसमें क्या लिखा है,